जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भारत के मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आरएसएस वो संस्था है जो इस देश की सरकार को चलाती है, यानी इस देश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की इस टाइम सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस चलाती है। कहा जाता है कि आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस का ही प्रोडक्ट है। कहा जाता है कि आरएसएस ही बड़े निर्णय लेती है भारतीय जनता पार्टी के। आरएसएस जो चाहती है वही देश के अंदर होता है। अब दोस्तों, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, और वो भी भारत के मुसलमानों को लेकर क्या बयान दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्क्रीन पर भारत के मुसलमानों को लेकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि मुस्लिम भी हमारे हैं, ये देश जितना हमारा है उतना ही उनका है। कहा जाता है ना कि ये आए दिन हमारे देश के अंदर कोई भी एक उठकर बयानबाजी कर देता है कि अगर इस देश में किसी मुसलमान को दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चले जाएं। अरे भाई, पाकिस्तान क्यों चले जाएं भाई? जितना देश इस मुल्क, जितना देश आपका है उतना ही देश इसमें, उतना ही देश मुसलमानों का है, उतना ही देश सिख का है, उतना ही देश ईसाई का है, या किसी धर्म को नहीं मानता उसका भी उतना ही देश है जितना आपका या हमारा धर्म देश है, उतना ही उस इंसान का देश है। यानी जितने भी इस देश में लोग रहते हैं उनका जो हक है वो सबका बराबर है। लेकिन दोस्तों, आए दिन हमारे देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी भाषाएं बोली जाती हैं, भाषण दिए जाते हैं, आए दिन मुसलमानों को गोली मारने की बात की जाती है, आए दिन मुसलमानों के ऊपर हमले किए जाते हैं और आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कही जाती है। इसी बीच आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि मुसलमान हमारे हैं, जितना देश हमारा है उतना देश उनका है। अब मोहन भागवत जी से सवाल उठते हैं, बनते हैं उनसे पूछने। सवाल ये बनते हैं, क्या मोहन भागवत जी आप बीच बीच में आकर एक छोटा सा बयान दे देते हैं कि मुसलमान ऐसे जितने मुसलमान हैं उतने ही, यानी जितना देश मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का है, यानी जितना हमारा है उतना मुसलमानों का है, मुसलमान भी हमारे ही हैं, जितना देश हमारा है उतना मुसलमानों का है। अब सवाल ये उठता है कि जब आरएसएस के जुड़े लोग, बजरंग दल के जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोग मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको मारने काटने की बात करते हैं, उनको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, तो आप सख्ती से क्यों नहीं बोलते हैं? आप खुले मंच पर आकर क्यों नहीं बोलते हैं कि ये इस तरीके की जो भाषाएं प्रयोग की जा रही है मुसलमानों को लेकर, इस तरीके की जो बयानबाजी, नफरत भरी बयानबाजी दी जा रही है इस देश के अंदर मुसलमानों को लेकर, वो सही नहीं है? आप जब आकर क्यों नहीं कहते हैं, सरकार से क्यों नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं बोलते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए? या सिर्फ और सिर्फ ये जो बयानबाजी आप करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, एक मखोटा है, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों को दिखाने के लिए आप करते हैं, वरना आपके दिल में कुछ और ही चल रहा है। एक और चीज़ मैं आपसे, आपको दिखाना चाहूँगा, और अगर मोहन भागवत जी तक ये वीडियो अगर आप पहुँचा दें तो सबसे बढ़िया रहेगा। सीधा ये सवाल मोहन भागवत जी से ही मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, ये आज का ही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है, लिख दो दीवारों पर, मोबाइल देखना बंद करो, मोबाइल पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला, आओ घर से बाहर निकलो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल करते हैं। तो सो ये धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन खुले मंच पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, पर हमारा देश तो किसी एक धर्म का नहीं है, हमारा देश का संविधान ये सब तो नहीं सिखाता है, हमारा देश का संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात तो नहीं करता है, पर ये खुलेआम बोलता है कि आइए ये लिख दिए दीवारों पर हिंदू राष्ट्र, जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना है इस देश को, मोबाइल देखना बंद करें, जिसको भी हिंदू राष्ट्र बनाना है इस देश को, घर से बाहर निकले।
ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है मोहन भागवत जी? ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हैं मोहन भागवत जी? आप तो कहा जाता है कि आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की से भी ताकतवर हैं, आप तो वो लोग हैं जो सरकार को चलाते हैं, फिर आप ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं कहते हैं? अगर कोई खालिस्तान की बात करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, अगर कोई मुस्लिम देश बनाने की बात करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, अगर कोई कश्मीर को अलग करने की बात करता है, अलग देश बनाने की बात करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, मगर कोई इंसान हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ये भी सवाल मोहन भागवत जी आपसे बनता है, आपको इसका सवाल ज़रूर देना होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। आप क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।